हेलो एंड वेलकम टू एसएनएमएस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में। इस वीडियो में हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता क्या है उसे समझेंगे और उसके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे कि बेसिकली जब हमारे पास में कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो तो उसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, इससे भी हम काफी अच्छे से सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। यार डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख रखा है, आप देख पा रहे होंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन which is of the form mdx plus ndy is equal to 0 is said to be an exact differential equation if it satisfies this particular condition. Delta m by delta y is equal to delta n by delta x अगर होता है इस differential equation के लिए तब हम इस differential equation को exact differential equation कहेंगे। अब देखो यार जरा differential equation को ध्यान से देखना। हमारे पास में differential equation given है mdx plus ndy is equal to 0, जहां पे m और n कोई भी function of x and y हो सकते हैं। basically ये जो m है ये हमारा है m function of x, y और n जो है ये भी function of x, y है, right? और अगर आप इस m को partially differentiate करते हो with respect to y, जो भी value आता है अगर वो equal होता है जब आप इस n को partially differentiate करते हो with respect to x के साथ, तब उस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन को आप कहोगे कि ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर सपोज हमारे पास में कोई है dy by dx is equal to y by x, कुछ इस तरह से आपके पास में कोई डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है? तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हमारे पास में क्या आएगा, x dy is equal to y dx। अब आप इसे थोड़ा अरेंज कर लो तो ये हमारे पास में आएगा y dx minus x dy is equal to 0। तो देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? डेफिनेटली हो गया। अब जो dx के साथ में मल्टीप्लाइड है उसे हम m कंसिडर करते हैं, राइट? तो हमारे पास में m क्या आएगा, m is equal to आ गया y, और जो भी dy के साथ में मल्टीप्लाइड है उसे हम n कंसीडर करते हैं। तो dy के साथ में मल्टीप्लाइड क्या है, dy के साथ में मल्टीप्लाइड है माइनस x। इस बात का हमें ध्यान रखना है क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल फॉर्म था जनरल फॉर्म उसमें यहां पर प्लस लगा है, ठीक है? तो ये हमारा माइनस x हो जाएगा। अब जरा आप इसे डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू y में, डेल m बाय डेल y के लिए, डेल m बाय डेल y फाइंड करने के लिए आप इसे डिफरेंशिएट करो तो ये हमारा हो जाएगा 1, और डेल एन बाई डेल एक्स करो डेल एन बाई डेल एक्स तो ये हमारा क्या आएगा, ये आएगा माइनस वन। यानी कि जो हमारा डेल एम बाई डेल वाई को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल एम बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल टू, अब हम लिखेंगे डेल एन बाई डेल एक्स। तो अगर नॉट इक्वल टू हो गया दैट मीन्स क्या, ये जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। अगर यहां पर माइनस आ जाता, यहां पर माइनस आ जाता तो ये भी प्लस होता, तब हमारा ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा होता। यहां पर जैसे ही माइनस आ गया तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ प्लस एक्स होगा, तब ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो रहा होता। आई होप इस बात को आप समझ पा रहे हो। किसी किसी बुक में यहां पर जो ये डेल्टा एम बाय इनफैक्ट डेल एम बाय डेल वाई जो लिखा हुआ है इसको वो ये लिखता है एम सफिक्स में वाई और इसे वो लिखेगा एन एक्स। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है m को पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया है विद रिस्पेक्ट टू y में, और इसे भी इसका मतलब होता है n को पार्शियली डिफरेंशिएट किया गया है विद रिस्पेक्ट टू x से। आई होप ये चीज आप समझ पा रहे हो। अब आगे बढ़ते हैं और डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का वर्किंग प्रोसीजर देखते हैं। अगर हमारे पास में कोई भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ रहा होता है और अगर वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो रहा है तब हमारे पास में ये वर्किंग प्रोसीजर काम कर रहा होगा। बेसिकली हमारे पास में टोटल चार स्टेप्स हैं। अगर आप इन चारों स्टेप्स को फॉलो करोगे तब कोई भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का आप सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हो। तो मान लो हमारे पास में कोई एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ये कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, मान लो ये इक्वेशन ही आपको गिवन है तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि my is equal to nx हो रहा है या नहीं, यानी कि डेल्टा m by इनफैक्ट डेल m by डेल y is equal to डेल n by डेल x हो रहा है या नहीं। अगर हो रहा है यहां पर टिक लग गया तब आप आगे बढ़ोगे,
वरना यही स्टॉप हो जाओगे, ठीक है। अगर स्टेप वन फॉलो नहीं करता है तो बाकी सारे स्टेप्स की ओर नहीं बढ़ोगे, ठीक है। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हो रहा होता है तब हम उसमें कुछ ऐसा चीज मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं जो उसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना देता है, उसके बारे में कभी और बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। तो अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होता है तब आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इंटीग्रेशन ऑफ एम इंटू डीएक्स करोगे। ये जो आपका एम गिवन है इसको आप डीएक्स के साथ में लेके इंटीग्रेट करोगे। बट एक चीज ध्यान देना है, यहां पर जो भी हमारा वाई आ रहा होगा ना, वाई का कोई भी फंक्शन आ रहा हो उस फंक्शन को हमें कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास में है एम इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ठीक है। तो हमें इंटीग्रेशन ऑफ एम डीएक्स करना है, तो हम कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एम डीएक्स। तो इंटीग्रेशन ऑफ एम की जगह हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई इंटू डीएक्स, और यहां पर लिखोगे वाई कॉन्स्टेंट, क्योंकि आप वाई को कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हो। तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डीएक्स यानी कि एक्स क्यूब बाई थ्री। और अगर आप वाई को एक कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करते हो तब ये क्या होगा, वाई बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ डीएक्स दैट मीन्स वट एक्स क्यूब बाई थ्री वाई इंटू एक्स प्लस ए कॉन्स्टेंट। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो, यहां तक आपका कोई डाउट नहीं है। देखो यार, जब आप एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे होगे ना, तो ये जो कॉन्स्टेंट है आप इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, ये यहां पर दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, क्योंकि आपको लास्ट में जो फॉर्मूला दिया जाएगा वहां पर ऑलरेडी एक कॉन्स्टेंट मेंशन होगा जो कि हमारा इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट हो रहा होगा, ठीक है। ओके, तो स्टेप टू डन। जैसे ही स्टेप टू हमारा फाइंड होता है तब हम स्टेप थ्री की ओर आगे बढ़ते हैं, और यहां पर हमें मेन चीज फाइंड करना होता है। ये बेसिकली हमारा मेन फॉर्मूला है, क्या करोगे, एन माइनस डेल बाई डेल वाई इंटीग्रेशन ऑफ एम इंटू डीएक्स, फिर होल का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई। ये फॉर्मूला आप रट लो, इसी फॉर्मूला में सारा चीज हो रहा होगा। अगर आपने ये फाइंड कर लिया, ये फाइंड कर लेने के बाद स्टेप नंबर फोर में हमें फुल सॉल्यूशन लिखना पड़ता है। फुल सॉल्यूशन में क्या करोगे, इसके साथ में आप इसे मल्टीपल, इसके साथ में इसे आप ऐड कर दो, ठीक है। तो वही हमने किया है, इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस एन माइनस डेल बाई डेल वाई इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स होल का डी वाई इज इक्वल टू सी, जहां पे सी क्या है, सी एक इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट है, इसीलिए मैंने यहां पर आपको इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट देने मना किया था, क्योंकि हम डायरेक्ट एक अलग सा इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट यहां पर ले रहे होंगे, ठीक है। कॉन्स्टेंट ही यार, सी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, ये चीज आप समझ पा रहे हो। अब यहां पर एक चीज लिखना, यहां पर आप वाई कॉन्स्टेंट लिख देना, क्योंकि बेसिकली यहां पर आप वाई को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट कर रहे हो, राइट। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं, तब सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर वन। एग्जाम्पल नंबर वन में हमें गिवन है वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस टू एक्स इंटू वाई इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। सबसे पहले क्या करोगे, एम और एन को फाइंड करोगे। एम इज इक्वल टू क्या होगा, एम इज इक्वल टू हो रहा होगा वाई स्क्वायर, और एन क्या होगा, एन इज इक्वल टू हो रहा होगा टू एक्स वाई। स्टेप नंबर वन, चेक करो एम वाई इज इक्वल टू एम एक्स हो रहा है या नहीं। तो सबसे पहले एम वाई फाइंड करो, एम वाई का मतलब क्या, डेल एम बाई डेल वाई। एम वाई क्या हो रहा है, एम वाई हो रहा है टू वाई, ठीक है। एन एक्स क्या हो रहा है, यानी कि डेल एन बाई डेल एक्स क्या हो रहा है, वो भी हो रहा है टू वाई, क्योंकि पार्शियली डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हमारा 2y हो रहा होगा। यहां पर देखो my is equal to nx है, that implies my is equal to nx, therefore the given differential equation is an exact differential equation। ये बात आप समझ पा रहे हो, यहां तक कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब जैसे ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, अब स्टेप नंबर टू पर आते हैं। स्टेप नंबर टू हमसे कहता है कि इंटीग्रेट करो आप m into dx को, जहां पर आप क्या कर रहे होगे, y को कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे होगे, ठीक है। m क्या है हमारे पास, m है हमारे पास y square dx, यहां पर क्या कर रहे हो, y को कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हो, तो y हमारा बाहर चला जाएगा, y square बाहर, तो ये हमारा dx, तो ये बन गया हमारा x y square। इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट यहां पर दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, छोड़ देते हैं यार, एक बार में लिखेंगे। तो स्टेप नंबर टू कंप्लीट। अब स्टेप नंबर टू कंप्लीट हो जाने के बाद अब हम स्टेप नंबर थ्री की ओर बढ़ेंगे। तो स्टेप नंबर थ्री के लिए मैं जरा इसे इरेज करता हूं यार। स्टेप नंबर थ्री के हमें वो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है। फॉर्मूला कौन सा है, फॉर्मूला हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ एन माइनस डेल बाई डेल वाई
इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स होल का डीवाई, ये हम फाइंड करने वाले हैं अगेन, ठीक है, ये फाइंड करने वाले हैं। अब जरा मुझे ये बताओ, इसका वैल्यू क्या हमने फाइंड कर लिया? डेफिनेटली फाइंड कर लिया, वो हमारा आ गया एक्स इंटू वाई स्क्वायर। तो बस अब वैल्यू लगाओ, एन क्या है, एन है हमारे पास में 2x into y, ठीक है यार, तो हमने 2x into y लिखा, माइनस डेल बाई डेल y, ठीक है, इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है, वो क्या है x into y square, ठीक है यार, तो ये हमारा हो गया x into y square, dy, क्या ये बात आप समझ पा रहे हो? यहां तक कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ओके, अब देखो इंटीग्रेशन है 2x into y, इसको आप रिस्पेक्ट टू y में करो तो ये 2x into y हो जाएगा into dy, कैंसल आपस में, तो ये हमारा जीरो हो जाएगा, इंटीग्रेशन हमारा जीरो हो जाएगा, इंटीग्रांड जीरो, तो जीरो, और क्योंकि इंटीग्रेशन खत्म होने के बाद एक आप इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को हटा देते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ हमारा जीरो बन गया, ये बात आप समझ पा रहे हो। यहां पर अगर आप इनडेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करोगे, अगर ये जीरो होता है तो जीरो प्लस सी लिखते हैं हम, बट क्योंकि हम इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट को एक बार अलग से लिखने वाले हैं, इसीलिए मैं यहां पर सी को रिमूव कर रहा हूं, यहां तक कोई डाउट नहीं। तो हमारा इसका भी वैल्यू फाइंड हो गया और इसका भी वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। अब सॉल्यूशन लिखते हैं, देयरफॉर सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या था, सॉल्यूशन का फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ एम इनटू डीएक्स, जहां पर वाई कांस्टेंट हो रहा था, प्लस ये क्या था, एन माइनस डेल बाय डेल वाई। इसको जितना बार आप लिखोगे उतना आपका प्रैक्टिस हो रहा होगा इस फॉर्मूला को याद रखने का, ठीक है, एन माइनस डेल बाय डेल वाई इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स होल का डी वाई इज इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट। ये क्या हुआ, ये हमारे पास में x इंटू वाई स्क्वायर आया, ये जीरो आया, ये हमारा कॉन्स्टेंट आया, ये कॉन्स्टेंट क्या है, इन सारे यहां का भी इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट और यहां का भी इंटीग्रेटिंग कॉन्स्टेंट, उन दोनों का सम है ये बेसिकली। तो ये हमारा हो रहा है x इंटू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी, विच इज योर सोल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे हो। तो क्या ये टफ है, थोड़ा सा भी टफ नहीं है यार। और एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप यहां पर कैलकुलेट कर रहे होगे ना, आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू y, तो जब भी आप इसे सॉल्व करोगे इस अंदर में, तो कोई भी x का टर्म नहीं बच रहा होगा। अगर x का कोई भी फंक्शन बच रहा है, दैट मींस आपने कहीं पर कैलकुलेशन में मिस्टेक किया है, क्योंकि आपको विद रिस्पेक्ट टू y में इंटीग्रेट करना है और यहां पर हमें x को कॉन्स्टेंट नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखना। एग्जाम्पल नंबर टू को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगा यार, जो भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, इसे सॉल्व करने का एक फॉर्मूला नहीं होता है, इसे सॉल्व करने का टोटल चार फॉर्मूलाज हैं। एक फॉर्मूला मैंने अभी आपसे डिस्कस किया और बाकी बचे तीनों फॉर्मूला को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, काफी अच्छे से देखेंगे तीनों फॉर्मूला को और तीनों फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है। अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर टू पर। एग्जाम्पल नंबर टू में हमें गिवन है e टू दी पावर y इंटू डी एक्स प्लस टू वाई प्लस एक्स इंटू e टू दी पावर y इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सबसे पहले क्या करना है, स्टेप नंबर वन के लिए हमें m और n को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। m क्या होता है, जो भी dx के साथ में मल्टीप्लाइड होता है, ठीक है, तो ये हो गया हमारा m। n क्या होता है, जो dy के साथ में मल्टीप्लाइड होता है, तो टू वाई प्लस एक्स इंटू e टू दी पावर y। अब हम क्या करेंगे, my और nx फाइंड करेंगे। my का मतलब क्या, डेल m बाई डेल y, तो ये my हो रहा होगा हमारा e टू दी पावर y ही, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ e टू दी पावर फंक्शन ऑफ y ही है बेसिकली, ठीक है। चलो अब nx फाइंड करो, nx हो रहा होगा, nx क्या हो रहा होगा, डेल by डेल x ऑफ 2y प्लस x इंटू e टू दी पावर y, तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो, और ये हमारा x वन हो जाएगा, तो ये e टू दी पावर y ही हो गया। That implies my is equal to nx. So the given differential equation is an exact differential equation. क्या ये बात आप समझ पा रहे हो, यहां तक कोई डाउट नहीं। हमने चेक कर लिया कि ये जो हमारा गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन था, क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो रहा है? हाँ, डेफिनेटली हो रहा है। अब हमारा स्टेप नंबर वन कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर वन कंप्लीट होने के बाद अब हम बाकी सारे स्टेप्स को कर रहे होंगे। अब स्टेप नंबर टू के लिए क्या फाइंड करेंगे, स्टेप नंबर टू के लिए अब हम फाइंड कर रहे होंगे नाउ इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी एक्स। अब बेसिकली सॉल्यूशन फाइंड करना है ना हमें, तो यहां पर y जो होगा वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा होगा, ठीक है। चलो अब यहां पर क्या है यार,
m, m हमारा है e टू दी पावर y, ठीक है, e टू दी पावर y इंटू dx, तो ये क्या हो रहा होगा, ये हो रहा होगा हमारे पास में x इंटू e टू दी पावर y, क्योंकि हम इसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर रहे हैं, ये पूरा फंक्शन ऑफ y जो है e टू दी पावर y, इसे पूरा कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, तो ये बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट बाद में लगाएंगे, ठीक है। अब हमारे पास में नेक्स्ट फॉर्मूला क्या है यार, नेक्स्ट जो हमारे पास में फॉर्मूला हुआ करता था बड़ा वाला, वो फॉर्मूला था इंटीग्रेशन ऑफ एन माइनस डेल बाय डेल वाई ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होल का डी वाई, इसे अब हमें बेसिकली फाइंड करना है, तो इसे हम यहां पर फाइंड करने वाले हैं। चलो अब इंटीग्रेशन ऑफ एन, एन क्या है, एन है हमारे पास में टू वाई, इसे लिखो यहां पर, ये है टू वाई प्लस एक्स इंटू ई टू दी पावर वाई, ठीक है, माइनस डेल बाई डेल वाई, माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ दिस दिस वन, मतलब एक्स इंटू ई टू दी पावर वाई का वो कह रहा है, ठीक है यार, एक्स इंटू ई टू दी पावर वाई का डेल बाई डेल वाई हमने कर दिया, इसका डी वाई फाइंड करना है, यानी कि इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू वाई। मैंने आपसे क्या कहा था, सारा कैलकुलेशन हो जाने के बाद यहां पर एक भी फंक्शन ऑफ एक्स नहीं बचने वाला है, अगर बच रहा है तो आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक किया होगा, तो चलिए देखते हैं। तो ये हमारा बन रहा है 2y प्लस x इंटू ई टू दी पावर y माइनस, देखिए यहां पर क्या होगा, डेल बाय डेल y बोल रहा है, और जो भी फंक्शन ऑफ y, क्या है फंक्शन ऑफ y, ई टू दी पावर y, सिर्फ और सिर्फ उसका ही इंटीग्रेशन होगा, बाकी सारा कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट करेगा क्योंकि पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो ये हमारा x इंटू ई टू दी पावर y हो गया, इंटू डी वाई कैंसल आउट आपस में, तो हमारा बन रहा है यहां पर 2y dy यानी कि y स्क्वायर बाय 2, तो वो हमारा 2 कैंसिल हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ y स्क्वायर बना। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो, देखो यहां पर सिर्फ और सिर्फ फंक्शन ऑफ y ही बना, दैट मींस हमने कोई भी मिस्टेक नहीं किया है, तो हमने ये भी फाइंड कर लिया, हमने ये भी फाइंड कर लिया, सॉल्यूशन फटाफट लिखेंगे, सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन के लिए हमारे पास में फॉर्मूला था सॉल्यूशन ऑफ, अगर आप इसे इक्वेशन नंबर 1 देते हो, सॉल्यूशन ऑफ 1 इज इंटीग्रेशन ऑफ m dx वेयर y इज कांस्टेंट प्लस इंटीग्रेशन ऑफ n माइनस डेल बाय डेल y इंटीग्रेशन ऑफ m dx होल का dy इज इक्वल टू c। तो ये था हमारे पास में x इंटू e टू दी पावर y, तो ये हो गया x इंटू e टू दी पावर y प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू c वेयर c इज योर इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। तो ये बेसिकली हमारा सॉल्यूशन हो गया फॉर दिस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन। आई होप चीजें आपको समझ में आ रही हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल नंबर 3 को डिस्कस करते हैं। एग्जांपल नंबर 3 हमारा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, जरा ध्यान से देखना। यहां पर हमें क्या गिवन है, x dx plus y dy is equal to a square into x dy minus y dx divided by x square plus y square। अब कहीं से भी किसी भी एंगल से ये हमारा एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है, बट हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि एग्जैक्ट में जा सकता है या नहीं, जब भी आपके पास में x dx y dy इस तरह का कुछ टर्म आपको दिख रहे होंगे m dx n dy टाइप के, तब आप सोच लेना एक बार कि एग्जैक्ट में जा सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dx और dy को अलग करना पड़ेगा, यानी कि m और n को फाइंड करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कैलकुलेट कर लो क्या हो रहा होगा, ये हमारा x dx प्लस y dy, ये एज इट इज रहेगा, dx वाला टर्म को हमें इकट्ठा करना है, ठीक है। तो ये हमारा बन रहा होगा ए एक्स ए स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर डी वाई माइनस ए स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। अब हम यहां इसको इधर ले आएंगे ताकि हमारा dx वाला और dy वाला टर्म इकट्ठे हो जाए, तो ये क्या बन रहा होगा, x x प्लस ये बन रहा होगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स प्लस वाई माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये एक हमारा फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई है, ये भी हमारा फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई है, यानी कि हमने m और n को आइडेंटिफाई कर लिया। m क्या है यार, जरा मुझे बताना, m है हमारे पास में x प्लस
ए स्क्वायर इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एन हमारे पास में क्या है, एन हमारे पास में है वाई माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एम भी फाइंड हो गया, एन भी फाइंड हो गया, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें एम वाई और एन एक्स फाइंड करना है। तो जरा चेक कर रहे हैं यार, एम वाई इक्वल टू एन एक्स हो रहा है, यानी एम वाई का मतलब क्या, इसे जब आप पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे होगे विद रेस्पेक्ट टू वाई, तब ये तो ये पॉइंट हमारा जीरो बन जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ हमारा एक्स ही है और इसका हमारा डिफरेंशिएशन हो रहा होगा विद रेस्पेक्ट टू वाई। तो ये हो जाएगा एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर यू बाई वी का फॉर्म में आप कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपका हो रहा होगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये टर्म हमारा विद रेस्पेक्ट टू वाई में सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन हो रहा होगा वाई का, तो ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट ये हमारा इंटू वन माइनस ए स्क्वायर वाई, और ये हमारा बन रहा होगा इंटू टू वाई। ये चीज आप समझ पा रहे हो, कुछ नहीं यार, सिर्फ और सिर्फ हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, तो अब हमारा यहां पर हो रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और ये हमारा बन रहा है एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर को कॉमन रखते हैं, ए स्क्वायर को कॉमन रखने से हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर बन रहा है, दैट मीन्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर। तो ये हमारा कैंसिल आउट बन के क्या बन रहा होगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये हमारा बन रहा होगा, इसे अगर हम इरेज करते हैं एक बार फिर अच्छे से लिखते हैं यार, तो ये है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और अगर यहां पर आप ए स्क्वायर का कॉमन रखो तो ये बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर आप अच्छे से लिखो प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस टू वाई स्क्वायर, तो सिर्फ और सिर्फ माइनस वाई स्क्वायर बचेगा, तो ये हमारा बन रहा है ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हमारा एम वाई बना, ठीक है। अब एन एक्स के लिए भी सेम चीज कर रहे होंगे हम, तो एन एक्स के लिए क्या होगा, एन एक्स के लिए ये जो वाई है ये जीरो हो रहा होगा माइनस कॉमन, और इसके लिए भी हम सेम चीज कर रहे होंगे जो हमने यहां पर किया, ठीक है। तो क्या बन रहा होगा, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, और आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यहाँ एज इज छोड़ दिए, तो और इसका क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस, फिर जब आपने ए स्क्वायर इंटू एक्स किया फिर इसका क्या हो रहा होगा, इसका हो रहा होगा टू इंटू एक्स, राइट। अब सिंपल हमें कैलकुलेशन करना है, तो माइनस हमारा कॉमन बच रहा होगा, माइनस कॉमन बचने के बाद यहां पर आ रहा होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर को कॉमन लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर, राइट। माइनस टू एक्स स्क्वायर है और यहां पर हमारे पास में प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या बन रहा होगा, ये हमारे पास में आ रहा होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर आप इसके नेक्स्ट स्टेप का बात करो तो ये हमारे पास में आ रहा होगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ए हमारा मल्टीप्लाइड है। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर माइनस से भी मल्टीप्लाई हमें इसे करना है, तो जब हम माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो हमारे पास में आ रहा होगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या ये एम वाई के बराबर नहीं हो रहा है, ये दोनों क्या ये दोनों बराबर है, ये देखिए माइनस नहीं है, ये हमारा इक्वल का साइन है, क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों डेफिनेटली बराबर है, दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि एम वाई इज इक्वल टू एन एक्स, विच इंप्लाइज वी हैव एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। और जैसे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, अब हम हमारा स्टेप टू थ्री एंड फोर को लगाने वाले हैं। अब हमारा स्टेप नंबर टू क्या होगा, स्टेप नंबर टू में हम करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एम इंटू डी एक्स। एम हमारे पास में क्या है, एम हमारे पास में ये है, और जहां पर वाई को हम कॉन्स्टेंट ट्रीट कर रहे होते हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो अब हमारे पास में होगा एक्स इंटू ए स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर, ठीक है, ये बात आप समझ पा रहे होंगे, इंटू डी एक्स था। तो अब इसके लिए तो हमारे पास में क्या बन रहा होगा, इसके लिए हमारे पास में बन रहा होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, ठीक है। फिर हम ए स्क्वायर और वाई स्क्वायर को बाहर रखेंगे और हमारे पास में डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ रहा होगा। अब जरा मुझे एक बात बताना, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन हो रहा होता है हमारे पास वन बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है। तो सेम हमारा ये जो y है ना, ये y भी कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा होगा
इस पर्टिकुलर डिफरेंशिएशन, इस पर्टिकुलर इंटीग्रेशन के लिए, ठीक है। ओके चलो, अब हमारे पास में बन रहा होगा एक्स स्क्वायर बाई टू ए स्क्वायर इंटू वाई, और ये हो रहा होगा वन बाई ए यानी कि वन बाई वाई टेन इनवर्स एक्स बाई ए यानी कि एक्स बाई वाई, ये कैंसल। तो अब हमारे पास में है एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई वाई, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स, स्टेप नंबर टू हो गया। अब स्टेप नंबर थ्री के लिए हम क्या फाइंड कर रहे होंगे, अब हम फाइंड कर रहे होंगे इंटीग्रेशन ऑफ एन माइनस डेल बाई डेल वाई ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स होल का डी वाई। अब यार एन क्या है, एन हमारे पास में है वाई माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल वाई ऑफ दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। ये क्या है हमारे पास में एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई वाई, होल का हमें क्या करना है, होल का हमें डी वाई करना है, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना, इस कैलकुलेशन को हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। तो ये हमारा बन रहा होगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई माइनस ए स्क्वायर इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये क्या बन रहा होगा, अगर आप इसे डिफरेंशिएट करोगे रिस्पेक्ट टू वाई में तो ये हमारा जीरो बन रहा होगा, माइनस जीरो माइनस ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स, इसका क्या होता है वन प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई स्क्वायर माइनस में, ये बात आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि हम विद रिस्पेक्ट टू डेल बाई डेल वाई में कर रहे हैं, वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो ये हमारा ये बन रहा होगा। आई होप यहां पर आपको कोई भी डाउट नहीं हो रहा होगा। देखो यार हमने क्या किया, हमें करना है डेल बाई डेल वाई इंटीग्रेशन ऑफ टेन इनवर्स एक्स बाई वाई, तो टेन इनवर्स एक्स क्या होता है वन प्लस ये होता है, तो ये चीज हमने यहां पर किया, और एक्स बाई वाई का क्या होगा, एक्स बाई वाई का मल्टीप्लाइड बाई माइनस एक्स का वाई स्क्वायर, क्या ये बात आप समझ पा रहे हो, यहां तो कोई डाउट नहीं क्योंकि एक्स हमारा कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट कर रहा होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब जरा देखो ध्यान से, अब क्या कुछ कैंसल आउट हो रहे हैं, माइनस ए स्क्वायर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये माइनस तो ये प्लस हो जाएगा, और जब आप इसे अच्छे से कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा कहीं ना कहीं यही बन रहा होगा dy, इसे कैलकुलेट करके देखना, ये हमारा यही में इसमें कन्वर्ट हो रहा होगा और ये आपस में कैंसल आउट हो रहे होंगे, तो ये बन गया हमारा y into dy, that means y square by 2, तो सॉल्यूशन क्या हो रहा होगा, सॉल्यूशन दिस प्लस दिस, तो सॉल्यूशन हमारे पास में बन रहा होगा सॉल्यूशन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस ए स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई वाई प्लस y square by 2 is equal to c, where c is your integrating constant. I hope यहां तक आपको कोई डाउट नहीं हो रहा होगा। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया है तो एक लाइक कर देना, और साथ साथ में अगर आपको ordinary differential equation के बारे में अच्छे से जानना है तब आपको हमारा playlist विजिट करना होगा, और playlist आपको यहाँ राइट साइड में दिख रहा होगा।